नमस्कार बच्चों। तो देखो, कल अपना जो टॉपिक था, कल नया टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने, नया चैप्टर स्टार्ट किया आपके 11 चैप्टर कार्य ऊर्जा और शक्ति। तो उस चैप्टर के अंदर मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दिया था और उस बेसिक आइडिया के अंतर्गत जो चीज़ मैंने आपको बताई थी उस पूरी चीज़ का जो कंक्लूजन है वो केवल एक ही निकलता है जो अभी मैं बताऊंगा आपको। और अब हम उस टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। तो देखो, अगला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था और मैंने बोला था कि जो क्वेश्चन है ये आपको बाद में मैं सोल्व कराऊंगा इसको। तो देखो, जो कंक्लूजन निकला था, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो चैप्टर था वर्क पावर और एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी में नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि एनर्जी सिलेबस में से हटा दी गई है, तो आपके जो सिलेबस में है वो है पावर और वर्क। ठीक है, तो देखो, जो वर्क आपने पढ़ा था उसको मैंने लिंक किया था बल से, और बल से मैंने जो फॉर्मूला बनाया था W का, वो बनाया था W बराबर एफ डॉट एस। ठीक है, ये जो फॉर्मूला निकल के आया था वो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको वापस रिवाइज करवा दूं। तो देखो क्या होता है कि कोई वस्तु है, उस वस्तु को हम किसी फोर्स के द्वारा या किसी बल के द्वारा हम इधर इस साइड इसको गति करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वस्तु है पहले यहाँ पड़ी थी और अब वस्तु यहाँ इस जगह आ चुकी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी उस वस्तु ने तय की उस दूरी को मैंने एस से डिनोट किया, और उसके बाद में जो ये बल है यहाँ पे ये लग रहा है बल, तो अब ये जो वस्तु है यहाँ से लेके यहाँ तक आई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे बल लगाने पर कोई विस्थापन हुआ है या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उसकी वजह से इस वस्तु के ऊपर जो कार्य किया गया है वो कार्य जो है वो हम किस सूत्र के माध्यम से लिखते थे, वो मैं सूत्र लिख रहा हूँ डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस, अर्थात जो बल हमने लगाया वो बल और इनटू विस्थापन। यहाँ पे एक चीज तुम ध्यान रखना, इसको मैं आगे क्लियर करूंगा कि यहाँ पे हम जो विस्थापन लिख रहे हैं, इस विस्थापन का जो ये वस्तु के अंदर जो विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो उस तरफ होना चाहिए जिस तरफ वस्तु को बल लगाया जा रहा है, जिस तरफ वस्तु की गति हो रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मैंने यहाँ पे बल इस तरफ लगाया है, तो ये जो वस्तु है उस वस्तु की जो गति है या जो विस्थापन है वो इसी तरफ हुआ है जिस तरफ वो बल लगाया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला है वो मॉडिफाई होकर क्या बनता है, W बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। ये चीज मैंने क्यों लिखी है आगे आपको पता चलेगा, क्योंकि यहां पे क्या है कि बल की दिशा में विस्थापन हो तभी ये फॉर्मूला आपके लगेगा। बल की दिशा में यदि विस्थापन हो रहा है तभी ये फॉर्मूला लगा है। कई बार क्या होता है, किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं किसी दिशा में और वो जो वस्तु है वो किसी दूसरी दिशा में विस्थापित होती है, तो वहां पर ये जो फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखो, अब आगे आपको समझ में आएगा, मैं इसको विस्तार से मैं आपको बता दूं कि ये एग्जांपल आपने समझ लिया कि यदि किसी वस्तु पर इस साइड में बल लगा रहे तो वस्तु यहां पर विस्थापित हुई, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ये जो वस्तु है वो बल की दिशा में विस्थापित हो रही है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, अब देखो आगे, देखो यदि मान लो कोई वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर मैं बल लगा रहा हूं लेकिन जो बल है उसकी जो डायरेक्शन है वो ये नहीं है। अब मैं इस वस्तु पर इस तरीके से बल लगा रहा हूं, यहां पे इस तरीके से, जैसे मान लो क्या होता है कि कोई वस्तु पड़ी है, ठीक है, और आप यहां पे खड़े हो और उस वस्तु को इस तरीके से खींच रहे हो, थोड़ा ऊपर की तरफ, इंक्लाइन कहते हैं ना इसको, इस वस्तु को क्या है किसी डिग्री कोण पे, यानी आप इधर ऐसे यहां पे खड़े होते इस जगह, तब तो आप सीधा इसको सीधा खींचते, लेकिन आप इस जगह खड़े हो और इस वस्तु को इस तरीके से गति करवा रहे हो। या फिर मैं जैसे कोई एग्जांपल आप पे लेता हूं कि यदि मान लो कि ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर मैं मान लो इस तरीके से यहां से बल लगाता हूं, ये वस्तु आगे की तरफ मूव हो रही है। ठीक है, यदि मान लो ऐसा बड़ा बॉक्स होता और उस बड़े बॉक्स के ऊपर कोने पे किनारा है, वहां पे अगर बल लगाता तो बल की दिशा तो जा रही है इधर नीचे की ओर, देखो इस तरीके से किसी कोण पे, यहां से अगर जोड़े तो किसी कोण पे ये बल लगा जा रहा है, और वस्तु कहां जा रही है, आगे की तरफ जा रही है। तो ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि यदि आप किसी वस्तु को इस तरीके से बल लगाते हो, यहां से बांध के आप इस तरीके से खींच रहे हो, ठीक है, यहां पे आपका हाथ है, यहां पे
यहाँ पे आप खड़े हो और इस तरीके से आप वस्तु को खींच रहे हो। अब बताओ वस्तु के अंदर यदि विस्थापन है वो इस दिशा में हो, किस दिशा में, इस दिशा में वो वस्तु चल रही है, यानी कि विस्थापन जो होगा वो क्या होगा, इस दिशा में होगा और वो वस्तु जो है वो यहाँ आ गई, ठीक है, ओके। जैसे ए कोई वस्तु है, ये ए वस्तु यहाँ से यहाँ तक आ गई, अब यहाँ से यहाँ तक आ गई तो इस वस्तु में विस्थापन कितना हुआ, यहाँ पे मान लो एस विस्थापन हुआ है या डिस्प्लेसमेंट हुआ है या खिसक गई, और जो बल है उस बल की जो डायरेक्शन है वो हो गई यहाँ पे, ये बल हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो ऊपर इसके एरो का साइन लगाया, तीर का निशान, जो शो करता है कि बल जो है वो एक सदिश राशि होती है, ठीक है, बल जो है वो एक सदिश राशि होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बल का परिणाम और उसकी जो दिशा है दोनों के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है, ठीक है। एस के ऊपर भी मैं तीर का निशान लगा सकता हूं क्योंकि एस का मतलब विस्थापन, और विस्थापन जो है वो भी एक सदिश राशि होती है, ठीक है बेटा। तो देखो अब इस वस्तु को मैंने इस तरीके से खींचा, बल की दिशा यहां पे है और जो विस्थापन हो रहा है वो कहां हो रहा है, इधर हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ये एक धरातल हो गया, हम इसको इस लाइन को आगे की ओर बढ़ाते हैं, साहब ये एक धरातल हो गया जो प्लेन है, ठीक है, ये हो गया। अब आपने जो इस वस्तु को खींचा है, बल लगाया है, वो किसी डिग्री पे लगाया है, यहां पे इसको देखो यहां से इतने डिग्री के कोण पे, इसको मैं टीटा कोण मान लूं, ठीक है। यदि आप किसी वस्तु को पकड़ोगे तो एक तो आप पकड़ोगे सीधा, सीधा पकड़ोगे तब तो यहाँ पे ये बिल्कुल इस जगह इसके पैरेलली पकड़ोगे तो वहाँ पे तो कोण क्या होगा, जीरो डिग्री होगा। लेकिन आपने इस वस्तु को सीधा पकड़ के नहीं खींचा, आपने इस तरीके से खींचा है, जो बल लगाया है वो किसी डिग्री के कोण पे लगाया है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हो गया इसका धरातल, और धरातल से ये देखो यहाँ पे इतने डिग्री के कोण पे आपने इसको बल लगाया है, तो यहाँ पे टीटा डिग्री का जो कोण है उस पे आपने बल लगाया। अब यहाँ पे वो डेफिनेशन जो मैंने बताई थी कि साहब जो कार्य होता है इस वस्तु पर, हमने कार्य तो किया है क्योंकि बल भी लगाया और विस्थापन भी हुआ है, तो यहाँ पे कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन जो लिखते थे, बल की दिशा में विस्थापन, ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला तो यहाँ अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो बल है वो ये रहा और बल की दिशा में विस्थापन, अब बल तो इधर लग रहा है, विस्थापन तो इधर हो रहा है, तो बल की दिशा में विस्थापन तो हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो कौन सा होगा, मैं बता रहा हूं, देखो यहाँ पे होगा कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, ठीक है, बल इंटू विस्थापन। लेकिन अब यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जहां जिस दिशा में बल लग रहा है, बल लग रहा है, इस दिशा में जो बल लग रहा है, इस बल का हमें घटक लेना पड़ता है। यहां पे एक नई चीज आपको समझ में आएगी कि आप जिस दिशा में बल लगा रहे हो, ये वाला जो ओरिजिनल बल है वो ये है, ओरिजिनल फोर्स ये है। अब वस्तु इधर की सक्रिय है तो हमारे को मानना पड़ेगा कि इस साइड भी कोई बल लग रहा होगा जिसकी वजह से वस्तु है वो इधर की ओर विस्थापित हो रही है। तो यहां पर क्या होता है कि हम दो घटक लेंगे, इसके दो घटक बनेंगे, और वो किस तरीके से बनेंगे बता दूं, तो देखो यहाँ पे इसका जो घटक बनेगा, एक तो बनेगा इस दिशा में, ठीक है, और एक बनेगा इसी दिशा में घटक, ये दो घटक बनेंगे इसके, ये जो ओरिजिनल जो बल है उसका दो घटक यहाँ पे बन रहे, एक तो इस दिशा में यहाँ पे 90 डिग्री के कोण पे इस धरातल से, और एक बन रहा है इसके पैरेलल। तो अब मुझे ये बताओ कि जो वस्तु विस्थापित हो रही है, जो हम कहते हैं कि बल की दिशा में विस्थापित हो रही है, तो इसके अंदर ये वाला जो घटक है, ये वाला घटक काम में आएगा, क्योंकि वस्तु इधर विस्थापित हो रही है तो हम ये मान के चले कि बल भी इधर लग रहा है। तो इस बल का ये वाला जो घटक है, अर्थात जहां पे टीटा कोण होता है, वो घटक जो है वो कहलाता है एफ कोस टीटा, यानी कि टीटा कोण वाला जो घटक है वो तो कहलाता है एफ कोस टीटा, यानी कि ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये कहलाएगी एफ कोस टीटा, और दूसरी वाली जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन वाली, वो लाइन जो है वो घटक कहलाएगा एफ साइन टीटा, ठीक है बेटा। तो देखो इसका तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इस घटक का, इस घटक की हम बात करेंगे, यानी कि हमारे को एक आभासी बल लेना है। हम मान के चल रहे हैं कि बल तो ओरिजिनल तो हमारा ये बल है, लेकिन हम एक आभासी बल मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि विस्थापन जो है वो बल की दिशा में होना चाहिए, लेकिन जो बल है वो टीटा डिग्री के कोण पे लग रहा है और विस्थापन जो है वो इस दिशा में हो रहा है। तो इस दिशा में इस बल का जो घटक है वो लेते हैं टीटा एंगल के पास वाला, वो होता है एफ कोस टीटा। तो अब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, कार्य हो गया बल,
अब यहां पे जो बल हम लिखेंगे वो ये वाला बल नहीं आएगा, ये वाला बल आएगा, क्योंकि अब जो बल लग रहा है इसके ऊपर, जो हमने माना है कि ये वाला जो बल है वो लग रहा है, तो हमने यहां पे लिखा एफ कोस टीटा, ठीक है, ओके। तो ये वाला बल यहां पे हमने लिख दिया इनटू विस्थापन, विस्थापन वही एस, ओके। तो अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास बना उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, एफ के साथ ये दोनों राशियां एक जगह ले लो, ठीक है, ये बल और ये राशि एक जगह ले लो, टीटा को अलग कर दो, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एस कोस टीटा। ये हमारे को एक नया फॉर्मूला प्राप्त हुआ है, एफ एस कोस टीटा, और यही ओरिजिनल फॉर्मूला होता है बल का, ठीक है। ये ओरिजिनल फॉर्मूला कैसे होता है कि जैसे मान लो कि कहेंगे सर आपने जो पहले जो क्वेश्चन किया था ये वाला जो फॉर्मूला आपने लगाया था और इस फॉर्मूले को आपने जिस क्वेश्चन से निकाला था उससे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। तो देखो मैंने एक नॉर्मल क्वेश्चन जो बताया था कि ये वस्तु है, इस वस्तु को इधर बल लगाया और ये वस्तु यहाँ पे आ गई, ठीक है, और ये जो विस्थापन हुआ है ये विस्थापन हुआ है एस विस्थापन, ठीक है, ओके। अब इस फॉर्मूले को इसके अंदर अप्लाई करते हैं, तो चलो इसके अंदर अप्लाई करते हैं, तो चलो W बराबर एफ एस कोस टीटा, ओके। अब यहाँ पे इधर देखो टीटा कोण कितना है, कितने डिग्री के कोण पे ये बल लगा है, यहाँ पे टीटा कोण एक बार मानो, तो यहाँ पे टीटा कोण जीरो है, ठीक है, क्योंकि हमने बता दिया यहाँ पे जीरो डिग्री का कोण है, क्योंकि बल भी इस दिशा में लग रहा है और विस्थापन भी इस दिशा में, और ये जो टीटा कोण है, ये वाला जो टीटा कोण है वो किसके बीच में है, जो टीटा एंगल है वो किसके बीच में है, एफ वह एस के बीच में, बीच का कोण, ठीक है। तो यहां पे बताओ एफ और एस के बीच का कोण कितना है, इधर ही एफ है और इधर ही एस है, विस्थापन है, तो यहां पे कोण कितना हो गया जीरो डिग्री, तो यहां पे लगाओ एफ एस कोस जीरो डिग्री, कोस जीरो का मान कितना होता है एक, कोस जीरो का मान कितना होता है एक, तो इसका मान एक हो गया, तो ये वापिस वही आ गया डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस, देखो ये फॉर्मूला वापिस आ गया, ठीक है। तो ओरिजिनल जो हमारा फॉर्मूला है वो यही है कि यदि किसी वस्तु को टीटा कोण के ऊपर यदि हम बल लगाते हैं तो उस टीटा कोण का जो मान है वो उस बल और विस्थापन के बीच का मान होगा, तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो करते हैं डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस टीटा। प्रत्येक क्वेश्चन इससे सोल्व होंगे और इसी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके बनता है तो इसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा W बराबर एफ एस कोस तीटा, ठीक है। अब ये जो कोस तीटा है यहाँ पे ये जो तीटा है वो क्या है, क्या कौन सा कोण है, एफ व एस के बीच का, बीच का कोण। अब देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारे को तीन चीज को, मैंने एक क्वेश्चन भी आपको बताया था उस क्वेश्चन को अब मैं समझाऊंगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इस तीटा कोण का जो मान है वो हम नॉर्मली दो तीन मान लेते हैं, जैसे इस थीटा कोण का मान मैं जीरो डिग्री ले रहा हूँ, ठीक है। यदि मैं जीरो डिग्री लेता हूँ तो बताओ कोस जीरो का मान कितना आएगा, एक आएगा, और हमारा जो सूत्र है या हमारा जो भी वैल्यू है वो हमारे को मिली एफ एस, ठीक है, ओके। अब देखो यदि मैं इस थीटा कोण का मान है वो 90 डिग्री लेता हूँ, ठीक है, 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि ये वस्तु है, ठीक है, और इसको यहाँ ऐसे इस तरीके से हम बल लगा रहे हैं, ये बल है और वस्तु में जो विस्थापन है वो कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे इस कोण का मान क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ओके। 90 को इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो ये विस्थापन तो हो रहा है इस दिशा में और बल लग रहा है इस दिशा में। तो यदि मान लो कि मैं इस कोण का मान या किसी वस्तु को मैं 90 डिग्री के कोण पे यदि मैं उसको बल लगाता हूँ तो मेरे जो कि मेरे द्वारा जो किया गया कार्य है उसका मान कितना आएगा, तो यहाँ पर देखो W बराबर एफ एस कोस 90, और कोस 90 का मान जो है वो कितना होता है भाई, जीरो, कितना होता है जीरो। तो यहाँ पे कोस 90 का मान यदि मैं जीरो लगाता हूँ तो W बराबर क्या हो गया जीरो। इसका मतलब तुम समझ गए होंगे कि यदि 90 डिग्री के कोण पे यदि किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो हमारे द्वारा किया गया कार्य जीरो होगा, भले ही हमारे द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो लेकिन यहाँ पे साइंस की लैंग्वेज में किया गया जो कार्य है वो हमेशा जीरो होगा। इसका एक एग्जांपल भी बताता हूँ, देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। क्या होता है कि किसी वस्तु को हमने ऐसे उठाया, कोई भी थैला है उसको हम उठा के चल रहे हैं, ठीक है, हमने उठा लिया उस थैले को, उठा के हम चल रहे हैं। तो अब हम उसको अगर इस तरीके से उठा रखा है, थैले को हमने इस तरीके से हाथ में उठा रखा है, तो तुमने देखा होगा हम बल कहाँ लगा रहे हैं, उस थैले के ऊपर, ऊपर की ओर। भाई किसी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, ये व्यक्ति है, और ये व्यक्ति अपने हाथ से यहाँ पे किसी थैले को उठा के आगे की ओर चल रहा है, तो
तो यहां पे जो इस थैले पे जो बल लग रहा है वो कहां लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है बल, ठीक है। और अब उस थैले का विस्थापन कब किधर हो रहा है, जिधर हम चल रहे हैं उधर ही हो रहा है। तो हम चल किधर रहे हैं, मान लो इधर चल रहे हैं, तो इधर तो हम चल रहे हैं, तो विस्थापन उस थैले का या हमारा इधर हो रहा है, और बल जो है वो हाथ के द्वारा उस थैले के ऊपर 90 डिग्री पे ऐसे लग रहा है। तो दोनों के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो यहां यदि कोई पूछे कार्य कितना होगा तो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। वैसे कार्य हो रहा है लेकिन यहाँ पे इस कार्य को हम जीरो डिग्री से मानेंगे, जीरो कार्य मानेंगे कि यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला देखो, यदि मान लो मैं इस थीटा कोण का मान 180 डिग्री लेता हूं, ऐसा कभी पॉसिबल है, बताऊंगा आगे, क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है कि कोई वस्तु है उस वस्तु के ऊपर मैं बल लगा रहा हूं इस दिशा में, ये इस दिशा में एस एफ बल है और वो वस्तु इस दिशा में विस्थापित हो रही है, बल तो लगा रहा हूं ऐसे और वस्तु विस्थापित किधर हो रही है, उस दिशा में हो रही है। तो यहां पर बताओ एफ और एस के बीच के अंदर कितना कोण बना, 180 डिग्री का कोण बना। और यदि 180 डिग्री का कोण बना तो यहां पे जो कार्य होगा वो क्या होगा, W बराबर एफ एस कोस थीटा, और एफ एस कोस 180 डिग्री का मान होता है माइनस 1, इसका मान कितना होता है माइनस 1, तो W बराबर क्या आ गया माइनस एफ एस। ये देखो, कल मैंने ये चीज समझानी चाहिए थी कि क्या बल का मान पॉजिटिव, यहां पे क्या है पॉजिटिव, क्या बल का मान नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव आवा है, क्या बल का मान जीरो, बिल्कुल जीरो है। तो बल जो है, सॉरी कार्य का मान पॉजिटिव, कार्य का मान नेगेटिव और कार्य का मान जीरो, तो क्या ये संभव है, ये वाली चीज तो आपने देख ली, ये तो बिल्कुल संभव है, ये वाली चीज भी आपने समझ ली कि ये चीज भी संभव है कि कार्य का जो मान है वो जीरो आ सकता है। लेकिन ये वाली जो चीज है वो आपको मैं समझाऊंगा कि कार्य का मान पॉजिटिव भी हो सकता है क्या। तो देखो इसको हम समझेंगे कि जो कार्य है वो हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। तो पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, कब होगा जीरो, जब 90 डिग्री पे बल और विस्थापन की दिशा हो, और ये कब होगा जब जीरो डिग्री हो, और ये कब होगा माइनस जब 180 डिग्री हो। तो देखो इसको समझो ढंग से, बुक के अंदर नहीं समझाया गया है तरीके से, इसलिए आप इसको सही तरीके से समझो। तो देखो क्या होता है, तुमने देखा होगा कि कोई गाड़ी है, वो गाड़ी चल रही है, ठीक है, गाड़ी आगे की तरफ इस तरफ वो गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो इस तरफ चल रही है तो वो कैसे चल रही है गाड़ी आगे की तरफ, क्योंकि इस दिशा में गाड़ी चल रही है, क्यों, क्योंकि इस गाड़ी का जो इंजन है उस इंजन के द्वारा एफ बल लगाया जा रहा है, इसलिए ईंधन जल रहा है, ईंधन के द्वारा एफ जो बल है वो क्रिएट किया जा रहा है, और वो जो गाड़ी है वो एफ बल के द्वारा आगे की तरफ चल रही है, ठीक है। अब विस्थापन जो है वो भी इसी दिशा में होगा, अगर इधर चल रही है तो विस्थापन भी किधर होगा, इस दिशा में होगा, ठीक है, ओके। अब देखो इस गाड़ी के ऊपर, इस गाड़ी का मान लो एम द्रव्यमान है, द्रव्यमान मतलब बताया था आपको कि द्रव्यमान जो है उसका वास्तविक भार होता है, जो भार से हम इसको मानते हैं, किलोग्राम इसका मात्रक होता है, और ये नीचे की तरफ इसका भार लग रहा है, नीचे की तरफ कौन सा बल लगेगा, भार बल, और भार बल जो होता है वो होता है एम जी, पहले भी बता रखा है और 9th क्लास में भी आपके है। तो नीचे की तरफ इस गाड़ी के कौन सा बल लग रहा है, एफ बराबर एम जी बल लग रहा है, ठीक है, ओके। एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि यदि कोई गाड़ी है या कोई वस्तु है उसको आगे की तरफ बल लगाया जाता है तो अपोज दिशा में, उसके विपरीत दिशा में एक बल और फील किया जाता है, एक बल एक और लगता है जिसको हम बोलते हैं घर्षण बल, घर्षण बल, यहां पर इस जगह एक बल लगता है जो इस बल के विपरीत दिशा में लगता है, उसको हम बोलते हैं घर्षण बल, और वो जो बल होता है घर्षण बल होता है वो इसके बराबर होता है। तो यहां पे इस दिशा में भी एक बल लग रहा है घर्षण बल, इस दिशा में भी एक बल लग रहा है घर्षण बल, और नीचे भी एक बल लग रहा है घर्षण बल। अब मैं इस तीनों को मैं समझा रहा हूं एक तरीके से, देखो मुझे ये बताना कि यदि ये बल इधर जा रहा है, इधर लग रहा है, तो वस्तु में विस्थापन इधर ही हो रहा है, तो यहां पर तो क्या है बताओ, कौन सा जो फॉर्मूला है, कौन सा नियम यहां पे अप्लाई होगा, जीरो डिग्री वाला। देखो बल भी इस दिशा में है और ये भी इस दिशा में है, तो यहां पे तो क्या होगा, जीरो डिग्री, इसलिए इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव में, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। W बराबर एफ एस कोस थीटा, कोस जीरो, जीरो मतलब एक, तो एफ एस इसका मतलब क्या, पॉजिटिव आ गया, ओके। यहां पर और देख लो, मैं कह रहा हूं कि इस बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इस बल के द्वारा, इस बल के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो क्या होगा, एफ एस कोस जीरो बराबर डब्ल्यू बराबर एफ एस, इस बल के द्वारा, ओके। ये भी बल है, ये भी तो बल है ना, नीचे जो लग रहा है भार बल है, तो मुझे बताओ इस बल के द्वारा कौन सा, इसको मैं बोलता हूं भार बल,
तो भार बल के द्वारा किया गया कार्य बताओ, तो भार बल के द्वारा एफ एस कोस टीटा थीटा, ठीक है। अब बताओ कोस थीटा क्या होगा इसके अंदर, देखो बल की डायरेक्शन इधर है और विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इधर है, तो बताओ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो कार्य क्या हो गया, एफ एस कोस 90 बराबर क्या हो गया, डब्ल्यू बराबर 0। आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो इधर इस तरफ जाओ, ये देखो यहां पे देखो ये घर्षण बल है, घर्षण बल किधर लगता है, मैंने बताया था विपरीत दिशा में लगता है, बल जो ओरिजिनल है वो उधर लग रहा है और ये घर्षण बल किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो ये भी एक प्रकार का बल ही है। तो इस घर्षण बल के द्वारा, इसके द्वारा कार्य निकालना अपन को, द्वारा कार्य किसके द्वारा, घर्षण बल के द्वारा कार्य। तो देखो घर्षण बल के द्वारा कार्य क्या होगा, डब्ल्यू बराबर घर्षण बल को भी एफ लिखेंगे, बल है ठीक है, एफ एस कोस थीटा। अब बताओ यहां पर थीटा का मान कितना होगा, देखो घर्षण बल इधर लग रहा है, विस्थापन किधर हो रहा है, उधर ही हो रहा है क्योंकि ये बल भी तो अप्लाई है इसके ऊपर, तो विस्थापन तो उधर ही हो रहा है, चाहे तुम गाड़ी को कितना खींचो गाड़ी तो आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो देखो ये गाड़ी उधर जा रही है, आप घर्षण बल इधर लगा रहे हो, बताओ ये कितने डिग्री का कोण हो गया, ये यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री का कोण हो गया। तो बताओ डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, एफ एस कोस 180, और 180 का मान क्या आता है, माइनस 1, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, माइनस एफ एस, ठीक है। तो यहां पे ये आपको डिक्लेयर हो गया कि जो कार्य होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इस एग्जांपल को एक और बताता हूं, देखो क्या होता है कि गाड़ी आगे की तरफ चलती रहती है, तो इंजन का बल आगे की तरफ बल लग रहा है, ठीक है। अब आपने खुद ने एक बल और लगाया, ब्रेक के ऊपर आपने पैर रखे, तो वो भी एक बल ही है आपके द्वारा लगाया गया। अभी गाड़ी का बल तो गाड़ी के बल के द्वारा तो गाड़ी आगे खिसक रही है, लेकिन आपने उस गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हो तो आपने ब्रेक दबाया, तो बताओ जो ब्रेक दबाते हो वो किधर लगता है, वो बल वो कौन सा बल है, वो ब्रेक इसलिए लगाते हो गाड़ी रुक जाए, गाड़ी आगे जा रही है तो गाड़ी रुक जाए इसलिए ब्रेक लगाते हो, तो इसका मतलब क्या, आगे जो जा रही है उसके अपोजिट दिशा में यानी पीछे की तरफ बल लगा रहे हो, तो जो ब्रेक होते हैं वो पीछे की दिशा में बल लगाए उसको शो करते हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी रुकती है थोड़े समय बाद में आगे की तरफ चल के, तो विस्थापन किधर हो रहा है, आगे की तरफ, और जो ब्रेक लगाया आपने वो बल कौन सा है, पीछे की तरफ। तो देखो पीछे जो ब्रेक वाला बल और आगे विस्थापन, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ब्रेक वाला बल और विस्थापन दोनों के बीच में कितना है, 180 डिग्री का कोण है, तो इसका मतलब हमारे द्वारा किया गया जो कार्य है, या ब्रेक के द्वारा किया गया कार्य, या ब्रेक बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि जो कार्य है वो दोनों तीनों हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये था, अब देखो एक एग्जाम्पल और आता है आपके, इधर देखो एक एग्जाम्पल और समझाता हूं कि क्या होता है कि जैसे ये आपकी उंगलियां हैं, इस उंगलियों से आपने किसी धागे को पकड़ा, ठीक है, कोई धागा पकड़ रखा है और उस धागे से कोई वस्तु यहाँ पे इस तरह के वस्तु आपने बांध रखी, ठीक है, इस प्रकार से धागे के ऊपर कोई पत्थर बांध लिया और आपने इसको पकड़ के इस तरीके से उसको घुमा रहे हो, इसको बोलते हैं वर्तुल गति। धागे से पकड़ के इस तरीके से वस्तु को आप घुमा रहे हो, इसको बोलते हैं वर्तुल गति। तो ये वाली जो वस्तु है वो इस तरीके से एक गोलाकार पथ में घूमेगी, ठीक है बेटा। तो देखो ये जो वस्तु है इस तरीके से घूम रही है, अब मुझे ये एक चीज बताना कि इसके अंदर हमारे द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो किधर लगाया जा रहा है, वस्तु को पकड़ के इस तरीके से घुमाना, तो बल जो लगाया जा रहा है, वस्तु देखिए अभी यहाँ पे आ गई, मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, तो जैसे ये धागा है यहाँ से यहाँ तक और ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है और मैं इसको पकड़ रखा है, तो बताओ ऐसे घुमाऊंगा तो बल किधर लग रहा है, इधर, यानी कि हमेशा जो बल है वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है। ये जो इस वस्तु के ऊपर जो बल लग रहा है, चाहे वस्तु यहाँ पे हो तो भी बल किधर लगेगा, इधर लगेगा, क्योंकि अपनी तरफ उसको खींचे हुए रखते हैं। यदि वस्तु मान लो यहाँ पे है तो बल किधर लगेगा, इधर लगेगा, यदि वस्तु यहाँ पे है तो बल किधर लग रहा है, इधर ही लग रहा है, तो बल की जो डायरेक्शन है वो किधर है आपके, इधर है, ठीक है। अब बताओ वस्तु के अंदर जो विस्थापन है वो किधर हो रहा है, वस्तु अपनी तरफ विस्थापित थोड़ी की, वस्तु तो आगे की तरफ विस्थापित होती है, जैसे मैं ऐसे लगाऊं तो आगे की तरफ, अगर मान लो वस्तु यहाँ पे इस जगह है, ठीक है, बल तो लग रहा है इधर और आप इधर घुमा रहे हो, तो वस्तु विस्थापित किधर होगी, इधर होगी, यहाँ पे है तो वस्तु विस्थापित किधर होगी, इधर होगी, यहाँ पे तो वस्तु विस्थापित किधर होगी, इधर होगी, ठीक है, यहाँ पे तो वस्तु इधर बल लग रहा है तो वस्तु विस्थापित किधर होगी, इधर होगी, यानी कि बाहर की तरफ वो विस्थापित होती है, गति करती है। तो प्रत्येक कंडीशन के अंदर जो तुम इस वस्तु के ऊपर बल लगा रहे हो वो बल की डायरेक्शन तो इधर शो कर रही है, इधर, और विस्थापन जो है वो शो कर रहा है इधर। तो यहाँ पे तुम बताओ कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये जो वर्तुल गति होती है, ये जो वर्तुल गति होती है, इस वर्तुल गति के अंदर एफ
और एस के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, यानी विस्थापन और बल के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। इसीलिए यहाँ पे इस वर्तुल गति में किया गया जो कार्य है वो एफ एस कोस थीटा एफ एस कोस 90, तो W बराबर क्या हो गया, 0। तो वर्तुल गति के अंदर जो तुम करते हो, इस प्रकार से घुमाते हो, उस वर्तुल गति के अंदर साइंस की भाषा में किया गया जो कार्य वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यानी कि कोई कार्य किया ही नहीं जा रहा है। तो ये था वर्तुल गति। तो क्वेश्चन आता है कई बार कैसा, वर्तुल गति के अंदर किया गया जो कार्य है वो क्या होगा, W बराबर 0। क्यों होगा, क्योंकि F और S के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। बस इतना याद रखो इसके अंदर, बस इतना। कैसा, वर्तुल गति के अंदर किया गया जो कार्य है वो 0 आता है। क्यों होता है, क्योंकि वर्तुल गति के दौरान जब हम हाथों से किसी धागे को पकड़ के खींचते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि जो बल की जो दिशा है वो हाथ की तरफ रहती है और जो विस्थापन होता है वो बाहर की तरफ 90 डिग्री पे होता है। तो उस दौरान किया गया जो कार्य वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, घड़ी की जो सुइयां होती है उसमें भी ऐसा होता है, वो जो गति करती है तो जो फोर्स होता है वो सुइयां भग जाएगी यदि बीच का जो केंद्र बिंदु, जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो बल लग रहा है इसको क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। तो अभिकेंद्रीय यदि बल नहीं होगा तो वो वस्तु क्या होगी, वहां से फ्री हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ठीक है ना, तो हमने अगर धागे को पकड़ रखा है, यदि छोड़ दिया तो वस्तु क्या रहेगी, क्या नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या, बल किधर लग रहा है, हमारे हाथों की तरफ लग रहा है, हमने लगाया बल, तो बल की दिशा इधर ही होती है। अगर आप छोड़ दो तो वस्तु गायब हो जाएगी, वहां से दूर जाके गिरेगी। तो बल की डायरेक्शन तो वो होती है, लेकिन क्या विस्थापन हाथ की तरफ थोड़ी होता है, उसको ऐसे थोड़ी कर रहे हैं, हम तो ऐसे घुमा रहे हैं, तो विस्थापन तो आप क्या कर रहे हो, 90 डिग्री पे कर रहे हो विस्थापित। तो उस दौरान क्या होगा, वर्तुल गति में क्या होता है, एफ और एस के बीच में जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। इसीलिए किया गया कार्य है वो क्या है, 0 है। ठीक है, और यदि मैं कह दूं घर्षण बल, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य जो है वो क्या होगा, माइनस एफ एस होगा। क्यों होगा, क्योंकि एफ और एस के बीच में, एफ और एस के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये था हमारा मेन उद्देश्य इस चैप्टर को समझने का। बस इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक दो आपको, नॉर्मल क्वेश्चन। हाँ, एक चीज इसके अंदर और समझ लो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने समझा दिए लेकिन फिर भी एक बार वापिस बता दूं। देखो क्या होता है कि ये वस्तु है, इस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो एम है। ठीक है, एम द्रव्यमान है, तो इस वस्तु को कहीं पे भी कोई वस्तु आप रखते हो तो आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो मैंने यह बोला कि गुरुत्वाकर्षण बल, यदि आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकोगे तो वो वस्तु नीचे आके गिरती है। क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो एक ऐसा बल है जो उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। तो है तो ये बल ही, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके कारण किसी वस्तु का जो होता है वो भार बल होता है, क्योंकि उसमें जो भार होगा उस भार का गुणा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल कह दो, या गुरुत्वीय त्वरण जो जी का मान होता है, जी, उससे गुणा करते हैं, तो वो उसका क्या बन जाएगा, भार बल बन जाएगा। तो इस वस्तु का जैसे मान लो भार जो है वो मैंने बोल दिया, सॉरी, द्रव्यमान जो है वो एम है, तो बताओ इस एम द्रव्यमान की वस्तु के द्वारा नीचे की ओर जो बल इसके द्वारा फील किया जाएगा वो बल कौन सा होगा, भार बल। और जो भार बल होगा वो क्या होगा बताओ, एफ बराबर एम, और किससे गुणा करना है, जी से। ये ध्यान रखना, ये फिक्स वैल्यू है ये वाला, ठीक है, एफ बराबर एम जी, नाइन्थ क्लास में भी आपने पढ़ा था। तो ये नीचे की ओर जो वस्तु के द्वारा नीचे की ओर जो बल महसूस किया जाता है, जो भार बल महसूस किया जाता है, वो बल क्या होता है, एफ बराबर एम जी। और यहाँ पे जी का जो मान होता है वो फिक्स होता है, कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अप्रोक्सीमेट इसको हम कितना लेते हैं, 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन करने के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि 9.8 10 के करीब ही है, तो इसका वास्तविक मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम कितना लेते हैं, 10 ले लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया भार बल इस वस्तु के द्वारा। ठीक है, और अब इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भार बल के ऊपर कि साहब ये जो वस्तु है इस वस्तु के द्वारा कितना कार्य किया जाता है। तो फिलहाल तो यदि मान लो मैं इस वस्तु को इधर विस्थापित कर रहा हूँ इस तरफ, तो भार बल तो लगता रहेगा, यदि इधर विस्थापित कर रहा हूँ तो भार बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए तो हम मानते नहीं कोई कार्य किया गया, वस्तु पड़ी रहती है एक जगह। तो ये चीज भी आपके लिए जरूरी है। अब देखो मैं आपको एक दो क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे क्वेश्चन करते हैं
क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मेनली जो है वो क्वेश्चन ही है और वही आएंगे आपके। बाकी तो मैंने बेसिक फॉर्मूला आपको बता दिया, इस पूरे चैप्टर का एक ही फॉर्मूला है, डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा, बस ये फॉर्मूला और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको चीज़ पूछेंगे वो पूछेंगे साहब इसकी जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो मैंने बता दिया आपको जूल, ठीक है, मात्रक मैंने आपको बता दिया। अगर ओरिजिनल मात्रक पूछे तो क्या होता है बताऊँ, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। अगर मान लो इसका मात्रक जो है वो सीजीएस पद्धति में पूछे तो क्या होता है, अर्ग, ये मात्रक बता दिया मैंने आपको। यदि कोई पूछ ले कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं तो एक जूल बराबर क्या होगा, 10^7 अर्ग। अभी तक इस चैप्टर से ये वाली जो चीजें, ये पूछने वाली चीजें, बाकी अभी तक तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाया, डेफिनेशन कोई नहीं पूछता। तो अब देखो हम क्वेश्चन प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में बता दूं आपको, एक कोई सा भी क्वेश्चन लेते हैं कि किसी वस्तु पर धरातल से 60° के कोण पर एक बल लगाया जाता है, एक बल लगाया जाता है और वस्तु में पांच सेंटीमीटर विस्थापन हो तो किया गया कार्य, याद करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया। वैसे दूसरे वाला ये फॉर्मूला इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लो कि इस क्वेश्चन को यदि मैं इस तरीके से देता, मैं कोण ना देता और मैं सीधा आपको देता कि किसी वस्तु पर जो बल लगाया जा रहा है ओके, एक बल, यहाँ पे एक बल का भी तो वैल्यू लिख रखनी पड़ेगी, 60° के कोण पर, यहाँ पे मैं रखता हूँ 60° के कोण पर 50 न्यूटन, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है, ठीक है। तो देखो यदि इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से देता, ये 60° का कोण ना देके मैं ये देता किसी वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाने पर उस वस्तु में जो विस्थापन है वो 5 सेंटीमीटर होता है तो किया गया कार्य याद करो, तो वहां पे आपको ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर ये फॉर्मूला यूज भी करते तो यहाँ पे जो कोण है वो आपको 0° लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस वस्तु पर इस तरीके से बल लगाया जा रहा है कि ये वस्तु 60° के कोण पे है, तो इसका जो डायग्राम है पहले वो बना लेते हैं। ये वस्तु है ओके, ये जो वस्तु है इस वस्तु के अंदर जो विस्थापन हो रहा है वो इस दिशा में हो रहा है और मान लो ये वस्तु यहाँ पे इस जगह आ गई, विस्थापन कितना बताया, कहा गया 5 सेंटीमीटर विस्थापन हुआ है और वस्तु पर जो बल लगाया जा रहा है वो यह लगाया जा रहा है 60° के कोण पे, जो बल है उसका मान है 50 न्यूटन, ठीक है बेटा। तो देखो ये वाला जो डायग्राम है, ये अपना जो क्वेश्चन है इसके ऊपर ये डायग्राम मिला अपन को, तो ये देखो एकदम इजी क्वेश्चन है। आपको सबको बताया कि साहब डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कोस थीटा, ठीक है, थीटा क्या होता है, एफ और एस के बीच का कोण ओके, एफ हमारे को दे रखा है कितना, डब्ल्यू बराबर 50 न्यूटन ओके। देखो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू साथ में क्यों रखी, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आपको आगे पता चलेगा, अभी बताऊंगा, यदि आप इस वैल्यू को आप न्यूटन जो प्रतीक है इसको भी साथ में रखते हो तो आगे आपको फायदा मिलेगा, क्वेश्चन गलत होने की जो संभावना है बहुत कम होगी। इंटू एस, एस का मान कितना है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे क्या हो गया कोस थीटा 60°। अब देखो यहाँ पे क्या आपको कुछ अजीब सा लग रहा है मामला, बिल्कुल लग रहा है, यहाँ पे इस चीज को देखो आप, ये आप अक्सर गलत करोगे, ये देखो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, जबकि मैंने इसका जो ओरिजिनल मात्रक है वो क्या बताया, देखो न्यूटन इंटू मीटर, यहाँ पे न्यूटन है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी मीटर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस वैल्यू को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ पे बदल रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 50 × 5 सेंटीमीटर है, सी का मतलब क्या होता है 10^-2, तो यह डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, सी का मतलब 10^-2, ये
वैल्यू बदलने का है। ये तरीका मैं आपको समझाऊंगा बाद में। आप ऐसे करोगे, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर में एक मीटर होता है, तो 50 में 1/50, ऐसे आपको नहीं करना है। डायरेक्ट सिक्का मान याद रखो, सिक्का मान होता है 10^-2 मीटर, ठीक है। ओके, अब मीटर आ गया। अरे कोस 60 डिग्री यहां पर है। ओके, तो कोस जो 60 डिग्री है उसका मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो यहां पे मैं कर देता हूं, देख लेना आपकी मैथ अच्छी होगी। ओके, ये 10^-2 को यदि नीचे लाता हूं मैं, मान लो तो क्या होगा, 10^2 जाएगा प्लस में, तो नीचे लाते ये 100 गया गुणा 1/2, ठीक है। अब इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, ओके, ये हो गया 25/2, ठीक है। तो 12.5 क्या हो गया, न्यूटन इनटू मीटर, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, बराबर 12.5 जूल। ओके, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और यदि आगे भी अगर इसमें पूछते हैं कि साहब हमारे को तो अर्घ में चाहिए कार्य, तो बिल्कुल कर सकते हो, 12.5 जूल, ठीक है। यदि अर्घ में पूछता है तो 1 जूल बराबर क्या होता है, 10^7 अर्घ, तो बताओ 12.5 जूल बराबर क्या होगा, 2.5 × 10^7। तो यहाँ कार्य क्या आ जाएगा, 2.5 × 10^7, ये क्या हो गया, अर्घ, ठीक है। अब इसको आगे आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया है कि साहब इस तरीके से यदि क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से सोल्व करोगे। तो ये था हमारा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, उसको हम और सोल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इजिली आप वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं, आपकी बुक का ही एक क्वेश्चन है, बता दूं मैं आपको। ये जो क्वेश्चन है ये आपको किस तरीके से सोल्व करना है, ओके, देखो, हाँ, क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां पे, देखो, यदि सफर में जाते समय 12 किलोग्राम के थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर पीठ पर रखते हैं तो थैले पर किया गया कार्य बताओ, ठीक है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन देखो पहले क्या बोला है इसने, यदि सफर में जाते समय 12 किलोग्राम, ठीक है, जो थैला है उस थैले का जो वजन है वो कितना बताया, 12 किलोग्राम, 12 किलोग्राम का जो थैला है उसका वजन बता रहा है, उसको हम धरती से 1.5 मीटर ऊपर की ओर उठाते हैं और पीठ पर रखते हैं, और पीठ पर रखने के बाद में हमारे द्वारा किया गया कार्य की गणना करो। तो देखो इधर देखो, जैसे मान लो कि जो थैला है वो थैला हो गया ये 12 किलोग्राम का जो थैला है वो 12 किलोग्राम थैले का द्रव्यमान बताया गया, ध्यान रखना इस चीज को, ये 12 किलोग्राम इस थैले का द्रव्यमान बताया गया है। इस थैले को हम पीठ पे रखते हैं, और पीठ पे जब रखते हैं तो इसका जो विस्थापन, यहां से हमने उठाया तो यहां से उठा के यहां पे रखा है, तो इसका जो विस्थापन है वो कितना है, 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5। जैसे इस थैले को ऐसे उठाएंगे, यहां से नीचे से उठा के यहां लेके यहां पे रख रहे हैं, तो ये विस्थापन कितना हुआ, लिखा हुआ इसमें साफ, देखो धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर लाए, तो यहां से उठाकर ऊपर लाए, तो ये विस्थापन ही तो कर रहे हो आप थैले के ऊपर, ठीक है, तो ये विस्थापन कर रहे हो, तो ये विस्थापन हो गया यहां पे, यहां तक उठा के लाए, तो ये 1.5 मीटर क्या हो गया, विस्थापन, ये हो गया धरती। ओके, तो थैले के द्वारा किया गया। अब देखो बेटा, आपके पास नॉर्मल फॉर्मूला है W=FS cos θ, ठीक है, कोस थीटा की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने थैले को यहां से ऐसे उठाया तो बल भी आप ऊपर की ओर लगा रहे हो, और थैले का विस्थापन भी किधर हो रहा है, ऊपर की ओर ही हो रहा है। देखो आप इस थैले को ऐसे ही उठा के ऊपर रख रहे हो, यानी बल आप ऊपर लगा रहे हो, और थैले में विस्थापन भी किधर ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे इस थीटा का तो कोई मतलब नहीं है, तो इस थीटा की वैल्यू का कोई सेंस नहीं है। अब आगे देखो कि यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास बल जो है वो नहीं है, ये अज्ञात वैल्यू है,
बल का मान उसमें नहीं दे रखा है, केवल थैले का द्रव्यमान या वजन दे रखा है, देखो ये रहा 12 किलोग्राम, और एस जो है उसकी वैल्यू दे रखी 1.5 मीटर। और भी इजी क्वेश्चन है। अब यहां पे तुम क्या करोगे, इस ऐप को निकालना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि यदि कोई वस्तु धरातल पर रखी है तो उस धरातल पर रखी वस्तु के अंदर क्या होता है कि उसका जो भार बल होता है, यानी कि इस थैले के ऊपर नीचे की ओर, इस थैले पे नीचे की ओर एक बल काम कर रहा है जिसको हम बोलते हैं इसका भार बल, और वो भार बल जितना है उतना ही बल हमारे को ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा, तभी तो थैला उठा सकते भाई। इस वस्तु का जो भार बल है, वो भार बल जब हम हाथ से उठाएंगे तो उतना का उतना भार बल हमारे को लगाना पड़ेगा, जितना उसका भार बल लग रहा है ना उसके बराबर बल ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा, तभी तो थैला उठ सकता है, अन्यथा नहीं उठेगा। तो आपने इस भार बल के बराबर ऊपर की ओर बल लगाया, ठीक है, तो वही बल होगा हमारा ये बल। तो बताओ इस वस्तु का यदि आप बल के किस बल से आपने इस थैले को उठाया वो निकालना होगा, तो आप कौन सा बल निकालोगे, इस वस्तु का भार बल। तो बताओ इस वस्तु का भार बल यहाँ पे क्या होगा, भार बल बराबर मैंने बताया था आपको एफ ओ डब्ल्यू वेट बराबर एम जी, इसका जो द्रव्यमान है उसके अंदर क्या कर दो, जी का गुणा कर दो। तो बताओ इसका मान, इस एफ का मान क्या आएगा, एफ बराबर एम जी, ये मान आ गया इसका, निकल गया। क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, अब तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इधर देखो क्या हो गया, ये मान निकालो एम जी, 12 किलोग्राम है, जी का मान कितना होता है 10 बराबर क्या हो गया 120 कितना किलोग्राम इंटू ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अरे हो गया। तो यहां पे इसको मैं क्या लिख देता हूं, यहां पे मैं इसको क्या लिख दूं, न्यूटन, क्या लिख दूं न्यूटन, ये हमारे पास 120 न्यूटन बल आ गया। ओके अब क्वेश्चन सोल्व हो गया, तो अब इसका मान रख दो, W बराबर होता है एफ एस बराबर 120 न्यूटन इंटू विस्थापन कितना हो रहा है मीटर में हो रहा है, तो मीटर बदलने की जरूरत नहीं है, बटा पॉइंट को हटाओ 10 नीचे आ गया, इसको इससे काटो बराबर 180 जूल, क्या आ गया कार्य 180 जूल। सिंपल क्वेश्चन था, कोई इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ी अपन को कोई एक्स्ट्रा वैल्यू की, बेस इतना था कि हमारे को इसके अंदर जो बल दे रखा था वो इनडायरेक्टली दे रखा था, बल ना देके उसने उसका द्रव्यमान दे दिया, और हम जानते हैं कि द्रव्यमान को यदि जी से गुणा कर दिया जाता है तो उस वस्तु का भार बल आ जाएगा, और यदि उस वस्तु को हमें उठाना है तो उसका जितना भार बल है नीचे की ओर लग रहा है उसके बराबर भार बल आपको ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा, तभी वस्तु उठ सकती है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखो एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे बाहर आपके नहीं आएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को खींच रहा है कि रस्सी क्षितिज से तीस डिग्री कोण बना रही है, इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। हाँ बेटा देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको इसमें दे रखा है। देखो सबसे पहले हमारा क्या उद्देश्य है, इसका हम डायग्राम बनाते हैं पहले। तो देखो एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर एक रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि क्षितिज से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इधर देखो ये वस्तु है मान लो, ओके ठीक है, इस वस्तु को किस तरीके से खींच रहा है कि क्षितिज ये होगा हमारा, ओके क्षितिज से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। बल कितना लगा रहे हो, बल ये है, ये होगा बल 5 न्यूटन का बल लगा रहे हो, ओके। तो ये 30 डिग्री के कोण पे इसको खींचा जा रहा है और वस्तु 20 मीटर आगे खिसकी, तो विस्थापन किधर हो गया, ये 20 मीटर,
ये विस्थापन किधर शो कर रहा है, 20 मीटर विस्थापन इधर हो रहा है, ठीक है, वस्तु यहां पे आ गई तो 20 मीटर विस्थापन हो गया, ठीक है, ओके। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही है हमारे पास बेसिक फॉर्मूला, डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा, एफ का मान सिंपल उसने दे रखा है कितना, 5 न्यूटन, यहां पे मैंने कहा था एक बार लिखो इसको 5 न्यूटन, और इंटू विस्थापन कितना है एस, 5 मीटर, चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मीटर में ये न्यूटन में, और कोस थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, बताओ 30 डिग्री कोस थीटा, ये 5 ही है ना, ओके, अच्छा ये 20 मीटर है, यहाँ पे ये 20 मीटर है, ये 20 मीटर, ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, 5 × 20 × कोस थीटा का कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, ओके ये लो क्वेश्चन सोल्व हो गया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको इससे काटो ये हो गया 10, और ये कितना हो गया 50√3, और इसको जब √3 हम निकालते हैं, √3 का मान कितना होता है लगभग 1.732, ठीक है, और जब इसका मान निकालेंगे आप तो लगभग जो अप्रोक्सीमेट है वो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 186 के करीब इसका आंसर आएगा, देखो हाँ सॉरी इसका मान जो आ रहा है वो आ रहा है 86.6, तो इसका मान आएगा 86.6 जूल, ये लो बेटा ये आंसर आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 86.6 जूल इसके अंदर कार्य आ रहा है। तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फ्री के आपके नंबर है, इसीलिए मैंने बताया था दो तीन क्वेश्चन है आपके, एक तो भार वाला क्वेश्चन आप निकाल लेना, फिर एक सिंपल इधर बल लग रहा है इधर ही विस्थापन हो रहा है, और एक इधर बल लग रहा है इधर विस्थापन हो रहा है, तो ये तीन ही इसके अंदर क्या है क्वालिटी है, और तीन क्वालिटी से बाहर कोई क्वेश्चन बनता नहीं, और कोई क्वेश्चन भी नहीं है, और यदि और भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो बहुत ईजी हो जाएगा अपने लिए, और यदि मान लो बेसिक अगर कोई क्वेश्चन देता है, कोई वस्तु है कि विस्थापन तो इधर हो रहा है और उसके ऊपर कोई घर्षण बल लगा है, 5 न्यूटन का घर्षण बल लगा रहे हैं, तो बताओ उसका मान कितना होगा, तो वो भी कर लेंगे नॉर्मली, कैसा वहाँ पे 180 डिग्री कोण लेंगे तो -1 की वैल्यू आएगी, तो जो मान आएगा वो कितना आएगा, -1 माइनस आएगा कार्य। तो ये था हमारा ये चैप्टर, ठीक है बेटा। तो देखो कुछ क्वेश्चन और भी है, अब उन प्रश्नों को मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, वो क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि देखो जो प्रश्न है वो मिक्स प्रश्न है, जो सेकंड टॉपिक आपका मिस किया है सिलेबस में से ऊर्जा, ठीक है, तो ऊर्जा और इस कार्य का जो मिक्स क्वेश्चन बन रहा है वो भी आने की संभावना बनती है, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, उसके लिए ऊर्जा को समझाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बेसिक एक फॉर्मूला बताऊंगा, तो इन दोनों का मिक्स क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर पूछते हैं लगभग, और हो सकता है कि कार्य का टॉपिक दे रखा है तो क्वेश्चन के अंदर लास्ट में लिखा हुआ है कि उसका कार्य ज्ञात करो, तो वो क्वेश्चन भी आपके आ सकता है, तो वो भी मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन आपके भरेंगे उसके ऊपर, तो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसके अंदर वो क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखो आज के लिए इतना ही काफी है, आपके पास और भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो लेक्चर देख रहे हो, कृपया आपसे विनती है कि उस लेक्चर को आप पूरा देखो, ये नहीं है कि आप थोड़ी देर के लिए देखो और फिर बाद में उसको बंद कर दो, तो आपको उस लेक्चर को पूरा देखना है, क्योंकि ये चैप्टर होने के बाद में मैं आपका जो टेस्ट है टेस्ट लेवल का पेपर बनाऊंगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको वो पेपर करना है और उस पेपर के आंसर देने, तो आपको पूरा समझना है, क्योंकि बोर्ड के अंदर आपका पूरा सिलेबस जो पढ़ा रहा हूँ वो आएगा, ऐसे देखने से व्यूज़ होने से व्यूज़ करने से कोई मतलब नहीं है, पूरा लेक्चर आप समझो और आप रेगुलर अपनी पढ़ाई जारी रखो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।